जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर, वास्तु इसके ऊपर कैसे काम करता है। देखिए, दो तरीके से रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है जो हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं, ये हम देखते हैं आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर से। और दूसरे होते हैं जो फ्रेंड सर्कल से रिलेशनशिप्स होते हैं, जो बॉस से रिलेशनशिप होते हैं, या ऑफिस के जो रिलेशनशिप्स होते हैं। ये तीनों जो होते हैं, ये हम देखते हैं ईस्ट साइड से, जो हमारा सोशल सर्कल दिखाता है। इस पे हम बात करें इससे पहले, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाके आप मुझे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से भी मेरा चैनल शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट। देखिए, अगर आपके चार्ट में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में वास्तु दोष है, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने पर्सनल रिलेशंस में आएंगी। जो आपके फैमिली मेंबर्स से रिलेशंस होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो उसका जो वास्तु दोष है उसको हटाइए। अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो वहाँ पे टॉयलेट ब्लॉकर्स लगाइए। वहाँ पे येलो टॉयलेट के जो पॉट है उसके आसपास आप येलो टेप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली जो फोटो होती है, जो आपकी हैप्पी मोमेंट्स की फोटो होती है, जब आप घूमने गए हैं कहीं पे, तो वो वाली फोटो आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए। आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में चेंजेस उसके 5-10 डेज में ही आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो ईस्ट साइड है, जो जिससे कि आपका जो सोशल सर्कल है वो देखा जाता है, वहां पे आप क्या करिए, एक तो अपनी खुद की फोटो लगाइए। अगर आप अपना वाईफाई वहां पे लगा सकते हैं तो वो लगाइए, नहीं तो जब आप बहुत हैप्पी थे, जो आपका फ्रेंड सर्कल है जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो एक जो सूर्य देव होते हैं, सन गॉड की ब्रास की 6 इंच से ऊपर की प्रतिमा आप वहां पे लगाइए, आपको इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कोशिश करिए कि ये आप अपने ईस्ट और साउथ वेस्ट को एकदम क्लटर फ्री रखिए, ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए दोस्तों, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से रहें। जय श्री कृष्णा।